ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस है, तो ऐसे में पूरे देश में कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बाहरी जिले में भी सुबह हवन का कार्यक्रम यहां पे किया गया था। बजरंग शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस को हमेशा सेवा के रूप में मनाया जाता है। शुक्ला जी, आज किस तरीके से जन्मदिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने जिले में? पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे भारत देश को एक गौरव प्रदान किया है और आज भारत उनके नेतृत्व में विश्वगुरु बनने की राह पर है, उनको मैं 71वें जन्मदिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, श्री राम भक्त हनुमान जी से, प्रभु उनको और स्वस्थ बनाएं, दीर्घायु करें और यशस्वी बनाएं। जिस तरीके से देश उनके नेतृत्व में, देश ही नहीं विदेश में भी परचम लहरा रहा है देश का, उसी तरीके से उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ता रहे। बाहरी जिले में क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं आज के दिवस में? बाहरी दिल्ली जिले में हमने आपने देखा कि 20 दिन का ये कार्यक्रम होने वाला है। 17 सितंबर आज उनका जन्मदिन है और 7 अक्टूबर को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, तो 20 वर्ष उनके सेवा कार्य हो गए हैं। तो हम 20 दिन लगातार जन सेवा के कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी है, जन सेवा के कार्यक्रम हैं, पर्यावरण के कार्यक्रम हैं और जो है झुग्गी बस्ती के कार्यक्रम हैं। इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हमने इसकी शुरुआत आज जिला कार्यालय में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ हवन पूजन करके, क्योंकि किसी भी कार्य करने के पहले सनातन संस्कृति है कि हम सभी पहले पूजा पाठ से शुरू करें, जिससे एक तो प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु मिले, स्वस्थ जीवन मिले, साथ में जो हमारे सारे कार्यक्रम हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से हो। और आज के दिन में ही 22 कार्यक्रम हमारे हैं, उसके बाद कल भी कार्यक्रम है, परसों, मतलब इस तरीके से कार्यक्रमों की श्रृंखला है और सभी कार्यकर्ता बहुत मनोयोग से जो है, सभी मंडल अध्यक्ष हमारे, सभी जिला के पदाधिकारी, अलग अलग कार्यक्रम, लगभग हमारा बड़ी संख्या में कार्यक्रम करने की योजना है। पिछली बार हमें याद है पूरा सेवा सप्ताह मनाया गया था, आज भी ऐसा कुछ सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाने वाला नहीं? अब तो सेवा पखवाड़ा हो गया है। पिछली बार 1 सप्ताह हमने बनाया था सेवा और समर्पण का, अब की बार हम जो है पूरा पखवाड़ा मना रहे, यानी आप आज से लेकर के और 7 अक्टूबर तक ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे। संगठन के कार्य चलते रहेंगे, जन सेवा के कार्यक्रम चलते रहेंगे। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि 20 दिन आपकी टीम हमारे साथ रहे, हमारे कार्यक्रम को कवरेज करें कि हम किस तरीके से जन सेवा के कार्य कर रहे हैं। जो हमारे कोरोना काल के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन सेवा के कार्य कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को दिखाएं। क्या तोहफा देने जा रहे हैं आप लोग मोदी जी के जन्मदिवस पर? मोदी जी के जन्मदिन पे हम क्या तोहफा देंगे? हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं और बाहरी दिल्ली जिला के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारा एक ही निवेदन है माँ भगवती से, प्रभु हनुमान जी से, कि प्रभु हनुमान जी वो अपने मोदी जी को बहुत दीर्घायु दें, लंबे समय तक वो सेवा के कार्य करते रहें। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 7 वर्ष में अनवरत 1 घंटा बिना विश्राम लिए हुए काम करते रहे, उसी तरीके से ईश्वर इनको इतनी शक्ति दे कि वो इसी तरीके से जन सेवा के और देश के नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा, खासकर बीजेपी की तरफ से। जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, वहीं मंदिरों में उनकी दीर्घायु की कामना को लेकर के हवन पूजन भी हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं त्रिनगर इलाके के आर्य समाज मंदिर में, जहां पर हवन पूजन हुई है। प्रधान हमारे साथ है मंदिर के। आज क्या क्या आयोजन रहा है और क्या क्या मान्यता आपने मांगी? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। जैसा कि सभी लोगों को विदित है, आज हमारे यशस्वी
प्रधानमंत्री हिंदू सम्राट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस है, उनका 71वां जन्मदिवस है ये। तो सभी एक हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 17 से लेकर 7 तक एक 20 दिन का पूरा ये पखवाड़ा चलना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के समरसता और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में ये रहने वाले हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज हमने आर्य समाज मंदिर लेखू नगर में एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दीर्घायु होने की कामना करी, उनके यशस्वी होने की कामना करी और देश की उन्नति की होने की कामना करी और सामाजिक समरसता होने की कामना करी। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने आर्य समाज लेखू नगर में एक यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे विदिन बीजेपी में भी, क्या खास बात नज़र आती है जो आज इतने बड़े पैमाने पे आज देश भर में प्रोग्राम चल रहे हैं, इवन यहाँ मंदिर में हवन पूजन आप कर रहे हैं, क्या उनकी क्या सबसे बड़ी खूबी आपको क्या लगती है? प्रधानमंत्री जी की मैं स्वामी जी आपको एक खूबी गिनाऊँ तो गिनवाते गिनवाते शाम तक हो जाएगी। सबसे बड़ी खूबी तो उनकी यही है कि उन्होंने देखो राम जन्मभूमि हमारी जो 570 साल से 470 साल से 550 साल से हमारे पूर्वज इस आस में रह गए, उनका ताला खुलवाने में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका का वो किया और एक भव्य राम मंदिर का वहाँ निर्माण होने जा रहा है। आज उनको 18-20 साल पहले वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर भी रहे और अब वो 7 साल से प्रधानमंत्री हैं। उनका एक दिन भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई छुट्टी अवकाश लिया हो, 18 घंटे तक निरंतर वो सवेरे से शाम तक हमारे देश के लिए काम करते हैं। आज जो हिंदुस्तान की इमेज आज जो पूरे वर्ल्ड में है, आप सभी लोगों को विदित है कि वो इमेज एक बहुत ही अच्छी इमेज बनकर पूरे हिंदुस्तान में उभरी है, पूरे वर्ल्ड में उभरी है हिंदुस्तान की, और एक सशक्त हिंदुस्तान, सशक्त भारत एक दुनिया के सामने आया है। और जिस प्रकार से वो निरंतर देश की प्रतिष्ठा और देश की उसके लिए काम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही आइडियल है और हम यही चाहेंगे कि वो शतायु जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए। बिल्कुल। अभी आपको क्या लगता है कि आप तो खुद ही कारोबारी भी हैं, व्यापार प्रकट से भी जुड़े रहे हैं, क्या काम उनको करना चाहिए प्रायोरिटी पे इस समय देश के लिए और जो इस समय ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? काम वो निरंतर कर रही हैं, लेकिन मैं एक आपने जैसा कि कहा एक व्यापारी होने के नाते भी और एक कार्यकर्ता होने के नाते भी, एक आर्य समाज मंदिर का प्रधान होने के नाते भी, मैं चाहूँगा थोड़ी सी व्यापारियों को और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, हमारे किसान भाइयों और उनको बहुत सपोर्ट मिलती है, तो मैं एक व्यापारी होने के नाते ज़रूर चाहूँगा कि व्यापारियों के हित में कुछ बहुत अच्छे अच्छे आए भी हैं और भी अच्छे अच्छे आने चाहिए कि जिससे हम एक जैसे चाइना के मुकाबले आज हमारे देश को लोग प्राथमिकता देखते हैं निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही, इसी प्रकार निरंतर वो करते रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अंजू मंजू जी भी हैं, निगम पार्षद हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मांग करेंगे? अगर जन्मदिन पे देना चाहिए लेकिन अगर मांग करेंगे तो क्या मांग करेंगे उनसे? वैसे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की बधाई देती हूँ। मांग करने की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो आगे से आगे वो काम कर रहे हैं देश के लिए और समाज के लिए, तो हम तो मांग कर ही नहीं सकते। वो अनुभवी हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, तो उनको तो हम आदेश भी नहीं दे सकते और ना मांग कर सकते हैं। वो पहले से ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा नगर निगम पे भी वो ध्यान दे रहे हैं, क्या करना दिया जा रहा है ध्यान निगम पे भी पूरा, मतलब वो ही भारत सरकार प्रधानमंत्री हैं वो तो देश के, तो कहने की जरूरत ही नहीं। जो निगम की भी हालत ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान दे लें उस पे भी, दे रहे हैं ध्यान ध्यान दे रहे हैं, अभी रोजगार पे भी दे रहे हैं ध्यान, ऐसा नहीं है। और पहले से देश ने कितनी तरक्की करी आप खुद भी देख सकते हैं, महिलाओं के लिए कितने शौचालय बनाए गए हैं, पहले जो नहीं महिलाएं जो बाहर जाती थी और एक शर्म अनुभव होता था उनको, भाई शर्म लगती थी, तो उनके लिए कितने शौचालय हैं, और महिलाओं के लिए एलपीजी गैस का वो ये देख लीजिए आप, कितने सारे उसमें हिंदुस्तान में कितनी गैस का वो उपलब्ध कराई है उन्होंने, तो वो तो काम करते ही रहे हैं निरंतर। और मेरे से पूर्व वक्ता ने भी अभी बताया भाई साहब ने कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, बल्कि सोने का भी रूटीन उनको आपको पता है। मैं इनसे एक सवाल और ले लेता हूँ, 18-18 घंटे वो काम कर रहे हैं, 15 मिनट दिल्ली के लिए भी कर लें नहीं ऐसा नहीं है स्वामी जी, वो दिल्ली के लिए भी बहुत सोचते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। अब दिल्ली में देखो ना, अब जैसे लुटियन जोन में कितने काम हुए हैं, दिल्ली में हमारा स्मारक बना है शहीदों के लिए, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में पुल हम देख रहे हैं, पूरा दिल्ली जलमग्न है, बाढ़ है, दिल्ली कंगाली है, विकास कार्य हो नहीं पा रहे, सड़कें बन नहीं रही, नाले साफ हो नहीं रहे, व्यापारी ठप बैठा है, थोड़ा सा 15 मिनट निकाल लें
ऐसा हमारे माध्यम से ऐसी बात क्या, मैं ऐसे मौकों पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि किसी की मैं बुराई या बुराई किसी की हम तो कामना की बात कर रहे हैं। नहीं, कामना वो दिल्ली के लिए आपका ठीक है कि वो दिल्ली के लिए टाइम निकाल भी रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं और कहना चाहूँगा कि और निकालें तो और अच्छा है, दिल्ली वालों का भला हो, लेकिन वो दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए समय निकाल के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये भावनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भी दी और साथ साथ में हमने जानने की कोशिश की क्या ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई मुद्दा है जो सीधे प्रधानमंत्री तक वो पहुँचाना चाहते हों, तो वो भी आपने सुना। जूही तोमर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर